हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग ज्योतिष विद्या पर अपना विश्वास रखते हैं। कुछ लोग तो इस विद्या पर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं कि बिना ज्योतिष विद्या की मदद से वो अपने किसी भी काम की शुरुआत तक नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो ग्रह नक्षत्रों की गणना और उनकी चाल से किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में आसानी से भविष्यवाणी कर सकती है। ज्यादातर लोग ज्योतिष की गणना से जीवन में होने वाली घटनाओं पर यकीन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर बुरे भी होते हैं। बुरी भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में जानकारी ज्योतिष के जरिए ली जा सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। अगर आपके घर में किसी का कोई आभूषण खो जाए तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। आभूषण खोना किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली भारी विपत्ति का संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या बहुत ही जल्द आने वाली है। इसी के साथ अगर हथेली पर बने सूर्य पर्वत यानी कि अनामिका उंगली के नीचे वाले हिस्से में अचानक कोई तिल बनने लगे तो आने वाला समय आपके लिए हानिकारक होता है और आपको आपके बहुत से प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। आपको बता दें कि अगर अचानक आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक ज्यादा बढ़ गई है और वैवाहिक जीवन में तनाव आने लगा है तो ये धन नुकसान की ओर संकेत करता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी ज्यादा बीमारियां होने लगी है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहने लगा है तो समझ जाना चाहिए कि अब कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। आपको बता दें कि अगर आपके घर में मौजूद पानी की टंकी अचानक टपकने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या अब आपके ऊपर आने वाली है। ये कुछ संकेत थे जो आपके जीवन में इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब आपका बुरा समय, आपका अशुभ समय शुरू होने वाला है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।